घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा में सरकारी नियंत्रण से चलने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकान वाले कर्मचारी हड़ताल पर हैं और गरीब लोग राशन लेने के लिए भटक रहे हैं। हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों को लगभग 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। खाद्य विभाग के स्थानीय अधिकारी शासन के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। खंडवा में सस्ते दामों पर गरीबों को राशन देने के लिए चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के कर्मचारी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। यह लोग अपना कमीशन बढ़ाने और स्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। पहले ही दिन इन्होंने सरकारी दुकान पर उपयोग में लाई जाने वाली पीओएस मशीन की अर्थी निकालकर काम बंद कर दिया था। इनका कहना था कि इन्होंने हड़ताल पर जाने के बाद उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी के बारे में पहले ही शासन को चेता दिया था। खंडवा जिले में लगभग 2,32,000 उपभोक्ता हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता अनाज लेते हैं और उनका घर इन्हीं से चलता है। शहर में 62 और ग्रामीण क्षेत्रों में 407 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से यह दुकानें संचालित की जाती है। हड़ताल के कारण गरीब उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलने से गरीब लोगों के चूल्हे नहीं चल पा रहे हैं। मजबूरन इन लोगों को खुले बाजार से अनाज खरीदना पड़ रहा है। खाद्य विभाग के द्वारा इन दुकानों पर सस्ते दामों का अनाज भेजा जाता है और यही अनाज गरीबों तक पहुंचता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्व सहायता समूह और वन समितियों के माध्यम से संचालित की जाने वाली कुछ दुकानें प्रारंभ हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की दुकानें अभी भी बंद है। हड़ताली कर्मचारियों की मांग के बारे में शासन स्तर पर ही निर्णय होना है और वहीं से निर्देश आने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। हम सब ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, एक है, एक है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हाथ मिलाकर बात करो, हाथ मिलाकर बात करो, बात तो तुमको करना होगी, बात तो तुमको करना होगी, करना कुर्सी छोड़ना होगी। अनाज नहीं मिला, 9-10 दिन हो गए, मेहनत मजदूरी वाले कहाँ से लाएंगे इतना महंगा अनाज। हमारे घर में बच्चे खाने वाले चार, हम कहाँ से लाएं? गरीब इंसान मेहनत मजदूरी करके ये हमारे हाथों में डब गए हैं। और सरकार के बीच में जो है वो तुम जानो, कंट्रोल वाला जाना, हम क्या जाना ये बात। समस्या ये कंट्रोल से अनाज नहीं मिल रहा है अभी। अरे आनी है, 4 तारीख से कंट्रोल बंद पड़ा हुआ है और सरकार भी क्या कर रही है, हड़ताल के कारण बाहर से हमको बाजार से अनाज खरीद के लाना पड़ रहा है। विक्रेताओं को भी अभी समिति तनख्वाह दे रही है, जो शासन द्वारा कमीशन दिया जा रहा है वो समिति के खाते में जा रहा है। विक्रेताओं को पर्याप्त उनको पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है समितियों के द्वारा, जिस कारण हम लोग 4 तारीख से लगातार धरना स्थल पर आंदोलनरत है। इस विषय में हमने शासन और प्रशासन को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था कि हम लोगों की मांगों पर आप ध्यान दिया जाए, अन्यथा ये उपभोक्ताओं की असुविधाओं की जवाबदारी आपकी होगी। जिले में 4 फरवरी 2021 से जिले के शहरी क्षेत्र की 62 और ग्रामीण क्षेत्र की 407 कुल 469 उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता हड़ताल पर रहे हैं और इन हड़ताल के बाद कल से कुछ उचित मूल्य की दुकान वालों ने अपने को हड़ताल से वापस लेकर वितरण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जो स्व सहायता समूह संचालित कर रहे हैं, वन समितियां जो उचित मूल्य की दुकान संचालित कर रही हैं, वो दुकानें चालू हुई हैं। उपभोक्ता भंडार हैं, उन लोगों ने अपनी उचित मूल्य की दुकान का संचालन प्रारंभ कर दिया है। हड़ताल प्रदेशव्यापी हड़ताल है और वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश ऊपर से ही प्राप्त होने पर हम कार्रवाई कर पाएंगे।